शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोरोना के इस संकट काल में पुलिस प्रशासन को क्राइम से लेकर कई सामाजिक कामकाजों का सामना करना पड़ रहा है। साइबर डकैती, ठगसेन, हत्याएं आदि घटनाएं शहर में हो रही है। इन तमाम बातों को लेकर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त नीलेश भर ने इनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता संजय मीरे, इन्होंने आइए डालते हैं एक नजर। नागपुर शहर में आए दिन ATM से पैसे चुराने की एक टोली भी पूरी तरह से सक्रिय है। लोगों के आंखों में धूल झोंक कर बैंक का पासवर्ड भी मंगा जा रहा है, जिससे कई ऐसे लोग इनके शिकार हो रहे हैं। इस प्रकार की कई शिकायतें साइबर सेल में भी की जा चुकी है। इस विषय को लेके और शहर में जिस प्रकार से जो हत्याएं हो रही है, जो क्राइम बढ़ रहा है, इसको लेके नागपुर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त क्राइम के नीलेश भर ने इनसे हमने बातचीत की, तो उन्होंने तमाम विषयों पे बातचीत करते हुए हमारे सभी सवालों के जवाब दिए। आइए देखते हैं उनसे की गई बातचीत उन्हीं की जुबानी। दर्शकों नमस्कार, इस समय में इनबीसीएन की टीम आई हुई है अतिरिक्त पुलिस आयुक्त क्राइम के नीलेश भरने साहब के पास में। हम भरने साहब से कुछ बातचीत करना चाहते हैं क्राइम को लेकर, जिस तरह से शहर का जो कामकाज जो चल रहा है और क्राइम जो बढ़ता हुआ और जो नजर आ रहा है उसी को लेकर हम बात करने जाएंगे। इस समय हमारे साथ में मौजूद है नीलेश भरने। आइए बात करते हैं नीलेश भरने साहब से। आप भरने साहब ये बताए कि जिस प्रकार से लॉकडाउन के चलते और कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पुलिस द्वारा जो कामकाज किए जा रहे हैं, सबसे पहले ये बताइए कि अब पुलिस का स्वास्थ्य किस प्रकार से है? नहीं, अभी लॉकडाउन ओपन होने के बाद से जो है वो रेगुलर जो आर्थिक गतिविधियां है वो शुरू हो गई है, और लेकिन इसके साथ ही जो पहले रास्ते के ऊपर जो बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था और रास्ते पे चलने पे पाबंदी थी, तो जो है अपराध काफ़ी हद तक रुके थे। अब जो है कुछ गुने नागपुर में हुए हैं। इसमें कई कारण है, जो कि कुछ तो जो है वो जेल से बड़े पैमाने पे जो है वो 302, 326, 307 ऐसे जो है जो सीरियस गुने के लोग हैं जो पैरोल पे है, लेकिन उसके लिए हम लोग जो है कुछ उनके द्वारा जो है वो कुछ सीरियस ऑफेंस जो है, इवन 302 की ऐसे दो वारदातें आई है जिसमें वो इन्वॉल्व है। 326, 307 में भी कुछ जो आरोपी जेल से छूटे हैं पैरोल पे वो इन्वॉल्व है, उसकी रिपोर्ट जो है हमारे द्वारा भेजी जा चुकी है। लेकिन इसके लिए जो है नागपुर पुलिस बिल्कुल मुस्तैद है और इसमें ऑपरेशन क्रैकडाउन चलाया जा रहा है, और ऐसे लोगों के ऊपर जो है रेगुलर हमारी सर्विलांस है और नज़र है, और इस पे जो है कुछ जो है हम लोग प्रिवेंटिव एक्शंस भी जो है लगातार ले रहे हैं। सर ये बताइए कि एक नागपुर की ऐसी महिला ठग जिसका नाम है प्रीति दास, जो शहर के तीन तीन पुलिस उसको सरगर्मी से ढूंढ रही है, क्या उसको आसमान उड़ा के लेके गई है या पाताल में चली गई है, ये बताना। अभी भी मतलब पुलिस के लिए भी काफी मतलब कठिनाइयां महसूस हो रही है। ऐसे में पुलिस को आंखों में धूल झोंक, वो अब तक के कई पिछले एक महीने से नदारद है, क्या पुलिस की इस दिशा में क्या काम कर रही है, क्यों लेट हो रही है पुलिस, पुलिस कहाँ काम कर रही है उसको धर दबोचने में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इतना अभी हाल ही में जो है 4 दिन या 5 दिन पहले ही जो है इसमें केस दर्ज हुआ है, और जल्दी जो है वो पुलिस जो है इस केस में उनको गिरफ्तार कर लेगी और इसमें जो है आगे का तपास जारी है। सर, ATM में जैसे हम देखते हैं कि कई लोग फर्जीवाड़ा बहुत चलता है, किसी के नंबर से पैसे हट रहे, साइबर में ये केस आता है, ऐसे केस को रोकथाम करने के लिए क्या कामकाज किए जा रहे क्राइम की ओर से? नहीं, पिछले कुछ दिनों से जो है वो लगातार ऑनलाइन पे सब लोग कार्य कर रहे थे, तो इसका भी फायदा कुछ हैकर्स ने उठाया और कुछ नए टाइप के केसेस जो है, जैसे कि ऑनलाइन दारू बिक्री थी तो उसमें कुछ केसेस आए थे, और कुछ अभी नए टाइप के जो है वो मास्क सैनिटाइज़र बेचने के नाम पे भी कुछ ऐसे केसेस आए हैं, उस पर हम लोग ने जो है फेक न्यूज़ के कुछ केस आए थे, तो उस पर कुछ अच्छे एक्शंस जो है साइबर सेल नागपुर पुलिस ने लिए है, और इस पे जो है हमारी पैनी कड़ी नज़र है कि इस तरह से जो है क्राइम ने, और कुछ अच्छे डिटेक्शंस जो है हमारे द्वारा किए गए इसमें। आखिरी का सवाल भरने साहब, ये बताए कि पैरोल पे छूट के जो आए हुए हैं उन लोगों की ओर से समाज को क्या कोई खतरा बना हुआ है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो पैरोल पे आए हुए हैं वो उसमें कुछ लोग जो है उस क्राइम में रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को जो सुविधा मिली है वो अच्छे से रह रहे हैं। हमारी नज़र है, उनकी हाजिरी ले रहे हैं हम लोग, ऑपरेशन हमारा क्रैकडाउन चल रहा है, और ऐसी कोई बात।
तो आप थे अतिरिक्त पुलिस आयुक्त गुने के नीलेश भरनी, जिन्होंने बखूबी विभाग के साथ बात करते हुए तमाम बातों पर रोशनी डाली है और किस तरह से क्राइम का कामकाज हो रहा है और पुलिस की पैनी नज़र किस प्रकार से है ये भी उन्होंने बताया है। नागपुर के अतिरिक्त आयुक्त क्राइम कार्यालय से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे, इन बी सी एन न्यूज़ नागपुर।